हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। तो गाइज एक बार फिर हमारे चैनल इंडी फैक्ट पर गाइज आपका स्वागत है। तो गाइज आज हम 10 ऐसे फैक्ट लेकर आए, ठीक है, जिसको आप नहीं जानते होंगे। तो इस पूरे फैक्ट को जानने के लिए आप हमारे वीडियो के जो है अंत तक बने रहिए। गाइज आप लोगों ने जो है सर आइजैक न्यूटन का नाम सुना होगा। जी हाँ गाइज, जरूर सुना होगा, ठीक है। लेकिन देखिए गाइज, जो आज का जो फैक्ट है, ठीक है, सर आइजैक न्यूटन का जो है जन्म जो हुआ था आज के दिन 4 जनवरी 1643 को हुआ था, ठीक है। तो गाइज सर आइजैक न्यूटन इतने महान थे कि, ठीक है, उन्होंने अपने जो है माइंड का यूज करके पूरे विज्ञान जगत को उन्होंने जो होता है वो बदल दिया था। और सर जो है आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम और जो है गति का भी नियम जो है विज्ञान को दिया था। गाइज आज के दिन है कि 4 जनवरी 1698 को हुआ गया था लंदन के प्लेस ऑफ व्हाइट हॉल के अधिकांश यानी, ठीक है, जो कि जो है 1530 से ही जो है वहाँ पर जो है डेटिंग कर रहे थे, ठीक है, उनको जो था क्या अंग्रेजों के जो सम्राट थे, ठीक है, उनके माध्यम के द्वारा उनके मुख्य निवास को जो होता है उसमें आग लगा दिया गया था। गाइज गाइज आपको पता है आज कौन सा दिवस है। जी हाँ, चलिए बताते हैं हम गाइज आज कौन सा दिवस है। तो आज है 200 ब्रेल दिवस, ठीक है, यानी कि आज के ही दिन लुईस ब्रेल यानी कि 4 जनवरी जो है 1809 को जो था लुईस ब्रेल का जन्म हुआ था, ठीक है। ये आँख से अंधे थे, ठीक है, और इन्होंने गाइज अंधों के लिए जो है पढ़ने का एक तरीका विकसित किया था, ठीक है, जिसको लुईस ब्रेल मतलब लुईस लिपि कहते, ठीक है, लुईस ब्रेल लिपि कहते हैं। वैसे तो गाइज गन के बारे में आप लोग जानते जरूर होंगे, ठीक है। तो इस गन को जो है आप लोग देखे भी होंगे मूवी वगैरह में, ठीक है, कोई मूवी में देखा होगा, कोई रियलिटी में देखा होगा, ठीक है। आइए इस गन से जुड़ी हुई एक आपको फैक्ट बताने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। गाइज हुआ क्या था, 4 जनवरी 1847 को हुआ क्या था, अमेरिका के लुईस मतलब अमेरिका के जो है सैमुअल कोर्ट थे, ठीक है, सैमुअल कोर्ट ने गाइज 4 जनवरी 1847 को जो होता है वो रिवाल्वर का आविष्कार कर लिया था, ठीक है, जो ऐसे हुआ था गाइज रिवाल्वर का आविष्कार। गाइज वैसे तो जो है अपेंडिक्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, ये एक प्रकार का रोग होता है जो कि पेट में ही रोग होता है, ठीक है। तो आज जो अपेंडिक्स से जुड़ी हुई मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, ठीक है, हुआ क्या था 4 जनवरी 1885 को हुआ क्या था, ठीक है, डॉक्टर विलियम ने जो होता है अपेंडिक्स का जो होता है वो सक्सेसफुली जो होता है ऑपरेशन कर लिया था। गाइज क्या आपको पता है विश्व में सबसे पहले जो होता है साइकिल किसने चलाया था, ठीक है, तो साइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने किया था, इसको आप लोग जानते होंगे, ठीक है। अभी बताते हैं गाइज सबसे पहले जो था साइकिल को किसने चलाया था। तो हुआ क्या था 4 जनवरी 1887 को थॉमस स्टीवंस नाम के एक शख्स ने जो होता है सबसे पहले साइकिल को चलाया था, ठीक है, दुनिया का पहला व्यक्ति बन गया जिसने जो है साइकिल को चलाया था, ठीक है। तो गाइज उस साइकिल को देखिए आज हम लोग कितने जो है आसानी से वही साइकिल हम लोग चला पा रहे हैं। गाइज अगर आप मेट्रो से सफ़र किए हैं तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आइए जो है अमेरिका से जुड़ी हुई एक मेट्रो संबंधित मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है। हुआ क्या था 4 जनवरी 1962 को हुआ क्या था अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सबसे पहले जो होता है ऑटोमेटिक यानी चलने वाली मेट्रो का चलाया गया था, ठीक है, और इसके ऊपर जो है कई लोग इस पर जो है सबसे पहले सफ़र भी किए थे। गाइज गाइज अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गाइज क्या आपको पता है ब्रिटिश के प्रधानमंत्री जिनका नाम है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, वो भारत कब आए थे, ठीक है। तो अभी बताते हैं गाइज भारत को कब आए थे। गाइज वो 4 जनवरी 2002 को जो होता है भारत आए थे और यह है यहाँ पर इन्होंने कई मतलब जगह पर इन्होंने यात्राएं की थी। गाइज क्या आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी इमारत, ठीक है, तो उसका नाम क्या है, सुनकर आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, उसका नाम है गाइज बुर्ज खलीफा, ठीक है। ये कहाँ पर गाइज, ये दुबई में, इसको जो संयुक्त अरब अमीरात ने जो है निर्माण करवाया था। इसका निर्माण जो है पूरा कब हुआ था और ये पब्लिक के लिए खोला कब गया था, तो गाइज ये 4 जनवरी 2010 को जो होता है इसका निर्माण पूरा हो गया था और ये पब्लिक के लिए यानी जितने भी पर्यटक होते हैं, ठीक है, टूरिस्टर होते हैं उनके लिए ये ओपन कर दिया गया था। गाइज हर दिन किसी के लिए जो है अच्छा होता है तो किसी के लिए जो होता है वो बुरे का प्रतीक होता है, ठीक है। तो आइए जो बताते हैं बुरे का प्रतीक हुआ क्या था। गाइज गोवा में एक जो है 3 मंजिला इमारत थी, ठीक है, 3 मंजिला इमारत थी जो कि 4 जनवरी 2014 को जो होता है वो ठह गई थी यानी कि अचानक से वो गाइज गिर गई थी, ठीक है, और इसमें जो है कई लोग घायल हो गए थे और कई लोग जो होती है मृत्यु हो गए थे, ठीक है। गाइज मरने वालों की संख्या जो है 14 थी और घायलों की संख्या जो थी काफ़ी अधिक हो गई थी, ठीक है। तो गाइज गोवा में एक चर्च है जिसका नाम है कैथोलिक चर्च, ठीक है, अगर आपको टाइम मिले तो उसको जो है विजिट जरूर करिए। गाइज गाइज कैसा लगा 4 जनवरी का माइंड और ब्लोइंग और जो होता है यूनिट फाइव जान का कैसा लगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप गाइज हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए तथा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। गाइज ऐसे ही हम जो होता है हिस्ट्री मतलब हिस्टोरिकल आपको फैक्ट जो है डेली प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसके बाद हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज टाटा बाय बाय, जय हिंद।